नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज झारखंड में सीएम हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि धनबाद और रांची में प्रचार करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे, प्रवासी राजस्थानियों से भी मुलाकात करेंगे। तो ताबड़तोड़ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कराने वाला है, जहां धनबाद और रांची में जनसभा करेंगे, समर्थन जुटाएंगे। तो वहीं प्रवासी राजस्थानियों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज बता दें झारखंड में हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके पहले भी हमने देखा, क्योंकि जब राजस्थान में भी चुनाव हो रहे थे तो उस बीच में गुजरात में भी पहुंचे थे चुनावी हुंकार भरने के लिए, लेकिन अब राजस्थान में क्योंकि 25 सीटों पर लोकसभा के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं, इसलिए अब झारखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आएंगे धनबाद और रांची में, जहां पर प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की जाएगी। तो वहीं प्रवासी राजस्थानियों से भी मुलाकात करके वातावरण को साधने की कोशिश करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बाड़मेर के बालोतरा से बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जहां पर रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भाटी के खिलाफ पचपदरा थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो आईपीसी की धारा 147, 186, 188, 283 के तहत मामला दर्ज हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी सहित 32 लोगों पर नामजद एफआईआर। आपको बता दें कि 800 से 900 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। भाटी ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और आपको बता दें कि 32 लोगों पर यह नामजद एफआईआर हुई है, 800 से 900 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। तो निर्दलीय प्रत्याशी, जहां त्रिकोणीय मुकाबला था, चुनाव संपूर्ण हुआ, लेकिन चुनाव के दरमियान ही रविंद्र सिंह भाटी ने तमाम आरोप लगाए थे। यहां तक कि प्रशासन के ऊपर भी आरोप इन्होंने लगाया था कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं, उनके जो लोग हैं उनके साथ बदसलूकी की गई है, लेकिन उन्हीं को ही पुलिस पकड़ रही है, उन्हीं के साथ ही पुलिस न्याय नहीं कर रही है। इसको लेकर वो धरना प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए थे। साफ तौर पर कहा जा रहा था कि जब तक कार्रवाई और जिनके ऊपर नाम उन्होंने दर्ज कराए थे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। लगातार समझाइश का दौर जारी था। प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया कि एफआईआर दर्ज होगा, तमाम जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने समर्थकों से बात की, अपने कार्यकर्ताओं से बात की, उसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म किया। इस खबर पर संवाददाता प्रेमदान हमारे जुड़े हुए हैं। प्रेमदान, रविंद्र सिंह भाटी के साथ तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या जानकारी देंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 तारीख को, क्योंकि 26 तारीख को बायतू में एक मतदान के दौरान कुछ लोगों के साथ में मारपीट होती है और उनको पुलिस ने हिरासत में रखा था, कुछ घायल लोग थे उनको हिरासत में रखा था, इसी आरोप को लेकर के कि पुलिस ने ना जुलमुल रवैया अपनाया किसी का पक्ष लेते हुए और घायलों को इलाज नहीं करवाया, इसी को लेकर के भाटी ने प्रदर्शन किया था 27 तारीख को एसपी ऑफिस के बाहर। और वहां पर उस प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी, उसका उल्लंघन के रूप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 4 धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है और 32 नामजद सहित करीब 800 से 900 लोग इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें जो शिव विधायक है निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, उनका नाम शामिल है, जिसमें इस जांच जो है वो CIDCB को सौंपी गई है। पचपदरा SHO अमराराम चौधरी के द्वारा ये मामला दर्ज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और पूरे देश में लोकसभा चुनाव की गर्माहट बढ़ी हुई है। प्रदेश में 2 चरण में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब बस 4 जून को परिणाम का इंतजार है। और इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल और झारखंड में प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में सीएम ने सोमवार को दीदी के गढ़ में हुंकार भी भरी। देखिए रिपोर्ट। दीदी के गढ़ में भजनलाल शर्मा की हुंकार, ममता बनर्जी पर हमला धारदार, भ्रष्टाचार अत्याचार ने किया बंगाल का बंटा धार, चुनावी समर में जनता देगी जवाब जोरदार। देखिए, जिस तरह से ममता जी जो कहती है ना, हम उसका उल्टा कर दिया करो, ममता जी के बाद और कहने के अलावा कुछ नहीं। बेहद नपे तुले लेकिन मारक अंदाज में हमला करने का ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सलीका है, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में अब दूसरे राज्यों में
अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। राजस्थान में दो चरणों में सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने पश्चिम बंगाल और झारखंड की कमान संभाल ली है। प्रचार अभियान को धार देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल और झारखंड के अपने 3 दिवसीय चुनावी दौरे के लिए सोमवार सुबह जयपुर से रवाना हो गए। कोलकाता पहुंचते ही भजनलाल ने समा बांध दिया। जी हां, पश्चिम बंगाल में भजनलाल शर्मा का खासा क्रेज दिखाई दिया। उनके रोड शो में कार्यकर्ता उत्साहित दिखे। मुख्यमंत्री ने पहले दिन श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया और अपने चिर परिचित अंदाज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों की भूमि आज भ्रष्टाचार, अत्याचार, गुंडागर्दी, घुसपैठ, तस्करी और तुष्टिकरण की राजनीति से त्रस्त है। देखिए, जिस तरह से ममता जी जो कहती है ना, हम उसका उल्टा कर दिया करो। ममता जी के बाद और कहने के अलावा कुछ नहीं। जिस तरह से बंगाल के अंदर लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों के जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो आलम है, जिस तरह से बंगाल के अंदर जो होता है, प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर बहुत बड़ा। एक ओर जहां सीएम भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जोरदार जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी कम ठोक कर अब की बात 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। 370 हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर बना हो, ये लोगों के दिलों में जगह कर चुके हैं और उस जगह को कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति आज नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसा हुआ है और मोदी जी के दिल में देश का आम नागरिक बचा हुआ है। तो इसलिए देश की जनता ने विश्वास आने वाले समय के अंदर मोदी जी के प्रति रखा है और जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्ण मतदान हुआ है और आगे जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ पर भी एक तरह से मोदी जी की लहर चल रही है और सभी जगह पर नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा आम व्यक्ति कर रहा है। इसलिए 400 सीटें हैं वो उससे पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। बीजेपी चुनावी समर में धारदार जीत के दावे कर रही है। वहीं विधायकी का चुनाव हार कर बेमन से सांसदी का चुनाव लड़ने वाले गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी पर मजदूर से भटकाने और जुबानी जमा खर्च से काम चलाने का आरोप लगा रहे हैं। देश बदल रहा है, लोगों के समझ में आ रहा है कि 400 पार का नारा हवा हो गया, मोदी गारंटी खत्म हो गई। अब मोदी गारंटी पर चर्चा कम है, 400 पार के नारे पर चर्चा कम है। सब लोग बस एक ही बात कर रहे हैं कि एनी हाउ अब बीजेपी डाइवर्ट कर गई। कहां है बीजेपी के संकल्प पत्र, तो बीजेपी बोल ही नहीं रही। खाचरियावास ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी की विदाई होने जा रही है। उनके दांव में कितनी जान है इसका पता तो 4 जून को लग जाएगा, तब तक दांव का शोर है, क्योंकि 2 चरण के बाद भी समर शेष है। इसीलिए दोनों ओर के सूरमा बढ़ चढ़कर जीत के दावे कर रहे हैं। सच भी है, दांव की धार भोथरी नहीं पड़नी चाहिए, वो भी आखिरी और निर्णायक दौर में तो कतई नहीं। ये दावे ही तो हैं जिन पर सवार होकर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। चलिए जयपुर से बड़ी खबर यह है कि एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाला जो सरगना है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा है गैंग का सरगना साकिब मेव। तो वीकेंड पर लग्जरी कार लेकर के जयपुर ये गैंग आता था। आपको बता दें कि हाईवे किनारे होटलों को ठिकाना बनाते हैं और 13 अप्रैल को खाते से 1.5 लाख निकाल लेते हैं। आपको बता दें कि आरोपी से 40,000 और 17 एटीएम कार्ड बरामद कर लिया गया है और जयपुर के कई इलाकों में ठगी करके ये रुपए निकाले गए हैं। रेवाड़ी, फरीदाबाद, पानीपत, दिल्ली, जयपुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाला जो सरगना है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 अप्रैल को एटीएम से तमाम रुपए निकाले आरोपी से 40,000 और वहीं एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। जयपुर के कई इलाकों में ठगी कर रुपए निकाले गए हैं इस शख्स के द्वारा। और बीकानेर के नोखा में एक सरकारी स्कूल कई दिन से बंद पड़ा है। आपको बता दें कि सीबीओ माया बाजार ने औचक निरीक्षण किया तो ये हकीकत सामने आई है।
ये मामला राजकीय प्राथमिक स्कूल जगराम की ठाड़ी रोड़ा की है, जहां स्कूल के कमरों में मजदूर ठहरे हुए थे। स्कूल की मैडम मोहिनी कुमारी के बैग में स्कूल का रिकॉर्ड मिला और स्कूल के छात्र खेलकर वापस घर लौटते मिले। इस अनियमितता पर सीबीईओ माया बजाज ने मैडम मोहिनी कुमारी को नोटिस दिया और पीईओ को परीक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पाबंद किया। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करना आखिरकार डूंगरपुर के कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा को भारी पड़ गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गोगरा को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विधायक गणेश गोगरा को कांग्रेस का नोटिस, 7 दिन में देना होगा कांग्रेस को जवाब, पार्टी लाइन के खिलाफ जाने के आरोप। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन के खिलाफ बर्ताव करना कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा को महंगा पड़ गया है। आलम यह है कि पार्टी ने उन्हें अब एक नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब उन्हें 7 दिन के भीतर देना होगा। विधायक गोगरा पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और बाप प्रत्याशी राजकुमार रोत को समर्थन ना करने का आरोप है। सारा मामला क्योंकि मैं जयपुर से पार्लियामेंट का उम्मीदवार था और यहाँ लड़ रहा था, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जब कोई कैंडिडेट और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लिखकर भेजती है और वो यदि ये शिकायत करते हैं कि चुनाव में इन लोगों ने काम ठीक नहीं किया, उसके बाद नोटिस दिए जाते हैं, पार्टी से निकाला जाता है। इसके अलावा उन पर आरोप है कि वे पार्टी के कार्यक्रमों में भी हिस्सा नहीं ले रहे थे। इससे पहले पूर्व विधायक अमीन खान और जालोर के बालेंदु शेखावत पर कार्रवाई की जा चुकी है। दोनों नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। राजस्थान में दोनों चरण के मतदान के बाद में कांग्रेस एक्शन में नजर आई है और अपनी पार्टी में 3 लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चुकी है। बाड़मेर, जालोर और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें बाड़मेर जालोर के मामले में पूर्व विधायक और मंत्री रहे अमीन खान के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो जालोर के अंदर वैभव गहलोत को सपोर्ट नहीं करने की वजह से बालेंदु सिंह के ऊपर कार्रवाई करते हुए इन दोनों बड़े नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अमीन खान को जहां पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद निकाला गया, तो वहीं बालेंदु सिंह शेखावत पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की थी, जिसमें पार्टी नेताओं के जरिए किए गए पार्टी विरोधी कामों के कारण नुकसान के अंदेशे को देखते हुए एक्शन लिया गया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस की ओर से 49 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है, उनका ये कहना है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सीटों के ऊपर कांग्रेस को कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, लिहाजा उन पर कार्रवाई तो बनती थी। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। और अब खबर जयपुर से है, फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये मामला, जहां पर तीनों आरोपी को पुलिस ने 3 मई तक रिमांड पर भेज दिया है। जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने रिमांड पर लिया। आपको बता दें कि गौरव सिंह, विनोद सिंह और गिरिराज शर्मा को पुलिस रिमांड पर लिया गया और 2 दिन का रिमांड पूरा होने पर कोर्ट में पेश किया था। आपको बता दें कि जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। तो लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और आपको बता दें कि तीनों आरोपी को पुलिस ने 3 मई तक रिमांड पर लिया और 2 दिन का रिमांड पूरा पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले की अगर हम बात कर ले तो देखिए, जैसे ही जांच पड़ताल इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है तो एक से बढ़कर के एक खुलासे हो रहे हैं। अब लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होती हुई और जो तीनों आरोपी, पुलिस ने 3 मई तक उनको रिमांड पर लिया और पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर इनको गिरफ्तार किया था। राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों पर दोहरी मार पड़ रही है। पहले तो एक दशक से उनका तबादला नहीं हो रहा है, दूसरी ओर उन्हें समय से वेतन भी नहीं मिल रहा है और जिससे 40,000 से ज्यादा शिक्षक परेशान है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं।
प्रदेश में विभिन्न विभाग में सबसे ज्यादा काम के प्रेशर से लेकर कई तरह की समस्याओं के लिए थर्ड ग्रेड शिक्षकों का उदाहरण दिया जाता है। दरअसल ये वो शिक्षक हैं जो राजस्थान के गांव ढाणी कस्बे में न केवल स्कूलों में शैक्षणिक काम करते हैं बल्कि चुनाव से जुड़े बीएलओ के काम समेत सरकार के कामकाज में भी खासे मददगार साबित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। प्रति वर्ष हम मैं समझता हूँ 3 या 4 बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पीडी अकाउंट का बजट जो है वो रेगुलर डाला नहीं जाता है। लगभग राजस्थान का 40,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक है जो पीडी अकाउंट से प्रभावित होता है और उनके वेतन के समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीडी खातों से समय पर वेतन नहीं आया हो, मगर इस बार तो मार्च महीने से मई तक वेतन नहीं आया जिसकी वजह से शिक्षक परिवार आर्थिक रूप से परेशान है। शिक्षकों की मांग है कि राजस्थान के तमाम जिला परिषदों के माध्यम से थर्ड ग्रेड शिक्षकों का समय पर वेतन जारी किया जाए ताकि शिक्षकों को राहत मिले। निश्चित रूप से चुनाव का जो राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं ऊपर से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही और मार्च के एंडिंग में जो उनके चालान कटते हैं जो इनकम टैक्स कटता है उस वो भी उनका नहीं कट पाया है क्योंकि उनको पगार नहीं मिली है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो बजट सरकार जारी करे वो पूरा साल भर का अगर जारी कर दे तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा कि ताकि उन शिक्षकों को बार बार सरकार की ओर नहीं देखना पड़े क्योंकि उन्होंने काम किया है तो निश्चित रूप से वेतन के हकदार हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि तुरंत उनका बजट जारी एक पूरे वर्ष भर का बजट जारी करके उनको वेतन दिलाए। बहरहाल राजस्थान में वैसे तो 48,000 से ज्यादा थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं, जिनमें मुख्य तौर पर 40,000 शिक्षकों को मार्च महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिनमें 35,000 शिक्षक, 3,850 पैरा टीचर्स और 1,100 अन्य शिक्षक विभाग के कर्मचारी हैं, जो वेतन के लिए तरस रहे हैं, जिसके चलते लोन की किस्त से लेकर रसोई के खर्च के लिए गुरुजी को कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। चलिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में कर्नाटक युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रज्वल रननवा के गिरफ्तार करने और कार्रवाई करने की मांग की है। तो आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे पोते प्रज्वल रेवन्ना पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज हुआ और प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा सांसद और जेडीएस उम्मीदवार भी है। युवा कांग्रेस के सदस्यों ने मामले में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के हुबली की ये तस्वीरें हैं जहां श्रीनिवास वीवी के नेतृत्व में ये भारी प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। तो मूर्ति कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध गुलाबी नगरी में एक और कीर्तिमान स्थापित हो गया। परकोटे से खजाने वालों के रास्ते के निवासी मूर्तिकार मुकेश भारद्वाज ने एक ही शिला पर 18.5 फीट की मां काली की मूर्ति बनाई है। मां काली की यह मनोरम मूर्ति केरल के वेंगानूर स्थित पौर्णामिका मंदिर में स्थापित होगी। केरल से मूर्ति लेने आए भुवन चंद्र ने बताया कि मां आदि देवी का मंदिर 500 साल पुराना है जो महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन खुलता है। कई साल पहले आततायियों ने माता की मूर्ति को खंडित कर दिया था जिसे दोबारा विधि विधान से स्थापित किया जाएगा। जो 23 फुट की ऊंचाई है और ये पूर्णिमा माता के नाम से ये केरला में स्थापित होगी और इसका शक्तिशाली स्वरूप है, ये अंबिका जैसा इसका स्वरूप हुआ है और ये पूरे विश्व के अंदर अपने श्रद्धालु को जो भी आएगा उसकी मनोकामना तो पूर्ण करेगा लेकिन उनके पितृजनों को भी इससे मोक्ष होगा, इसके दर्शन मात्रा से होने वाला है
ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं भी यहाँ आया तो मुझे भी ऐसा रहा कि मैं कब जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना इनका देवी का आकर्षण हुआ। अब ये स्थापना से पहले इतना आकर्षण है, तो ये सोचिए कि पूरे विश्व को आकर्षित करने वाली माता पूर्णिमा का ये मंदिर पूर्णिमा का वहां बनने जा रहा है केरला में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा,